नमस्कार, त्रिनेत्र चूर अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू की मानव तस्कर विरोधी यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने सोमवार को ऑपरेशन मिलाप 3 के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 साल के बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया और नियोजक के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। मानव तस्कर विरोधी यूनिट के डॉक्टर भागीरथ ने बताया कि ऑपरेशन मिलाप के तहत टीम की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सोमवार को टीम द्वारा शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में एक नंबर रोड पर स्थित रेड वुड फैक्ट्री में जोखिम भरा कार्य कर रहे बालक का रेस्क्यू किया गया है। बालक का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है तथा ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। चूरू के भालेरी रोड के पास एक रेडवुड फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक 16 वर्षीय बालक को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया गया। बालक से वहाँ जो लकड़ी की फैक्ट्री में हार्ड वर्क करवाया जा रहा था, मौके पर पाया गया कि बच्चा है वो बाल श्रम कर रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना केंद्र पर नियुक्त शिक्षकों को शीतकालीन व मध्यकालीन अवकाश के दौरान ड्यूटी देने के एवज में उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु आज उपखंड अधिकारी चूरू को एक ज्ञापन दिया। इस पर उपखंड अधिकारी ने जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा, चूरू उपशाखा अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा आदि शिक्षक उपस्थित थे। रतनगढ़ उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने आज राजल देसर उप तहसील कार्यालय एवं नगर पालिका भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप तहसील कार्यालय में कस्बे के भामाशाह कैलाश डीरवानिया के आर्थिक सौजन्य से लगे वन का निरीक्षण किया। साथ ही उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार बजरंगलाल मीणा से उप तहसील कार्यालय संबंधित कार्यों की जानकारी ली। साथ ही तहसील भवन में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा, चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारी का आदि उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज एक प्रतिनिधि मंडल ने अग्रसेन नगर कॉलोनी चूरू में बढ़ती चोरी की वारदातों और असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। डॉक्टर रविकांत शर्मा ने बताया कि अग्रसेन नगर कॉलोनी के मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए मुख्य मार्ग में तब्दील हो गए हैं, जिसके कारण अब यह एक व्यस्त मार्ग बन गया है। इस वजह से इन दिनों अग्रसेन नगर में चोरी की वारदातें और असामाजिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। होली की रात 17 मार्च को एक साथ चार घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। इसलिए दिनों दिन बढ़ती चोरी की वारदातों और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभय कमांड के जरिए कैमरों की व्यवस्था करवाई जाए और कॉलोनी में मुख्य मार्गों और चौराहे पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे असामाजिक गतिविधियों और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर अशोक पारीख, मोहनलाल शर्मा, हरि प्रकाश आदि मौजूद रहे। क्या है कि हर तीसरे दिन चोरी होती है और साल भर में ये मान के चलिए कि 30 से 40 घरों के ताले टूट जाते हैं और हर बार हम लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन का कोई भी ऐसा सख्त रवैया नहीं है जिससे चोरियाँ रुक सके। और दुर्भाग्य की बात है कि होली की जो रात है, जो पूरी चहल पहल थी, उस चहल पहल वाली रात को भी 5 से 6 घरों के ताले टूटे और उनमें से भी मान के चलिए 2 से 3 लोगों ने FIR करवाई है, बाकी लोग FIR नहीं करवा रहे। कारण क्योंकि लोगों को लगता है कि साहब पुलिस का जो है रवैया जो है वो ऐसा ही रहता है कि ना तो चोरी पकड़ी जाएगी ना जो चोरी हुआ सामान जो है वो बरामद होगा, तो इस वजह से लोग FIR दर्ज भी करवाना नहीं चाहते। तो इस तरीके की जो धारणा है, ये मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन के प्रति जो लोगों की धारणा है, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक को आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि अगर से नगर में जो ये दिन रात जो चोरियाँ बढ़ रही है उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि लोगों में भी जो एक विश्वास जो पुलिस के प्रति पैदा हो और जो दिन प्रतिदिन जो चोरियाँ और जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये अगर से नगर में इन पर जो है पूर्णतः रोक लगे। चूरू नगर परिषद की टीम ने आज भारी पुलिस जाप्ते के साथ सुभाष चौक पर 2 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। इस दौरान एक व्यापारी ने अपनी दुकान को सीज करने की कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारी का आरोप था कि परिषद की टीम के पास उसकी दुकान को सीज करने का कोई आदेश नहीं था, ना ही उसे किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया था। मामले को लेकर व्यापारी व उसके परिजनों ने विरोध जाहिर किया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस नगर परिषद कर्मचारियों को गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित थाने लेकर पहुंची। मेरी दुकान है मेरे भतीजे सुभाष के नाम, जिसमें साथ में निरंजन का, अब निरंजन बिल्कुल दिव्यांग है, सुबह
सुभाष की ये दुकान है, सुभाष ही इसका मालिकाना हक है। उसके बाद भी पहले तो मैडम ने हमें दिया वार्ड नंबर 45 में कि आप व्यवसायिक पट बना रहे, जबकि 45 रंजन सोनी हमसे कोई भी भूखंड नहीं है। इन्होंने नोटिस जारी किया, हमने उनका जवाब दे दिया, फिर उन्होंने इस दुकान का दिया तो हमने बोला ये दुकान यहाँ पे बनी हुई थी, उसको हमने मोटिवेशन करवाया है। उसके बाद भी कमिश्नर मैडम न तो हमारा जवाब लेने के लिए तैयार है, न हमसे बात करने के लिए तैयार है कि मैं तो इस दुकान को सीज करूँगी तो करूँगी ही, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगी मैं तो। इस दुकान को सीज क्यों किया गया है? इस दुकान को पता नहीं उसकी क्या पर्सनल दुश्मनी है, क्या है क्या नहीं, मार्केट में इन अनगिनत दुकानें बन रही है, अनगिनत बेसमेंट बन रहे हैं, किसी पर कोई कुछ नहीं हो रहा है, केवल ये दो दुकान अख्तर पिसाई थी की और सुभाष सोनी की, जिसका कोई तरीका का नोटिस भी नहीं मिला सुभाष सोनी को, और उसके बाद सीज कर दिया गया। फर्स्ट नोटिस दिया है हमें शुक्रवार को शाम को, और फर्स्ट नोटिस पर ही इन्होंने सीज कर दिया है। नोटिस किस नाम? निरंजन सोनी के नाम से। मेरा नाम सुभाष सोनी है, ये दुकान मेरे नाम से, सुभाष सोनी के नाम से, और ये बंद का लेके आए हैं निरंजन सोनी के नाम से। तो निरंजन सोनी के नाम से थोड़ी है, मालिक तो मैं हूँ, मेरे को कोई सूचना नहीं थी आज तक, बिना सूचना की दुकान सीज करने सीधे आगे। तो इनको कह रहे हैं तो ये तो कह रहे हैं मैडम ने फोन कर दिया, तो मैडम के फोन करने से काम होता है गया? कागजी कार्रवाई तो कुछ उनके पास पूरी है ही नहीं, ये तो एकदम न्याय संगत बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार दो दुकानों को सीज किया गया, और जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है कमिश्नर महोदय को बताएं। नहीं तो ये दूसरे के नाम तो ये जगह है, दुकान है, और नोटिस पहुंचा निरंजन सिंह नाम की, तो आप इसको सीज कैसे कर सकते हैं? आप ऑफिस में बात कर सकते हैं। कौन कौन सी दुकानों को सीज किया गया है? दो दुकानें सीज। चूरू के मुख्य डाकघर के आगे नेशनल यूनियन डाक कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन के मंडल सचिव रामावतार सैनी ने बताया कि 2003 के बाद से बंद ओपीएस को पुनः लागू करना, कोरोना काल में रोके गए 18 महीनों के महंगाई भत्ते की राशि को तुरंत जारी किए जाने व सप्ताह में 5 दिनों का कार्य दिवस लागू करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर NFPU सचिव सज्जन सिंह, पोस्ट मास्टर श्याम सुंदर स्वामी, उप डाकपाल तारानगर रामू सिंह सरदारशहर आदि ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय डाक यूनियन ने आज दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। कल भी पूरे चूरू जिले के अंदर सभी पोस्ट ऑफिस कर्मी, सभी BSNL, LIC बैंक सभी हमारे साथ है, और धरने को पूरी तरह कल सफल बनाया गया, और आज भी उसी तरह सारे कर्मचारी सारा स्टाफ पूरे होश जोश के साथ अपनी मांगों पर लेकर अड़ा है, और दो दिन की है साकेतिक हड़ताल जी की सफल रही, और आज का ये धरना और बताया जा रहा है। राजल देसर की निकटवर्ती ग्राम पंचायत बीना देसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रतनगढ़ उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, पंचायत समिति BDO दिलीप मेघवाल, सरपंच कमला देवी सारस्वत आदि के सानिध्य में समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विद्यालय में सत्र 19-20 में कक्षा 6 से 12 तक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरित किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल ने आए हुए अतिथियों को विद्यालय की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना चूरू ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला संरक्षक आलोक सिंह ने बताया कि उक्त ज्ञापन में दिव्यांग कुलदीप सिंह की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और चूरू जिले के बीदासर तहसील के गाँव सोनियासर के राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के द्वारा 8 साल की मासूम बच्ची पर निर्दयता से पिटाई करने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर, संगठन मंत्री विक्रम सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष छत्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। राजपूत कर्णी सेना की तरफ से रूपनगढ़ में हुए हत्याकांड के बारे में यहाँ पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। दूसरा, सांडवा गांव में सोनिया सर में छोटी नाबालिग लड़की के साथ मारपीट एक शिक्षक द्वारा उसको IPO किया जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। छोटी बच्ची के साथ बेरहम से मारपीट की। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना आलोक सिंह टेक्निक जिला सेक्शन।
रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में आज शाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक SDM विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की सफल क्रियान्विति के निर्देश दिए गए। SDM ने विभागवार अधिकारियों से वार्ता कर उनके विभागों द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी ली तथा जिन विभागों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है उन्हें दुरुस्त करते हुए कार्य निष्पादन एवं लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए। बीदासर में महिलाओं के लिए आज निशुल्क कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ किया गया, जहां चयनित बालिकाओं व महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कंप्यूटर सेंटर के निदेशक जसकरण सिहोल ने बताया कि महिला एवं बालिकाओं को इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत बालिकाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं को 3 माह के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण लाभ लेने एवं ज्ञान अर्जित करने के लिए सबको प्रेरित करेगा। आज फ्री महिला बैच का शुभारंभ किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से हमें करीबन 20 महिलाओं की सीटें प्राप्त हुई है, जिसका हमने आज उद्घाटन करवाया है और करीबन 20 महिलाओं को आगे निःशुल्क हम पढ़ाई प्रदान करेंगे, कंप्यूटर में शिक्षा प्रदान करेंगे। अभी हम RSCIT करवा रहे हैं, RSCFA कोर्स करवा रहे हैं जो अकाउंटिंग का एक कोर्स है, टेली कोर्स करवा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज है जो बेसिक कोर्सेज भी हम करवा रहे हैं। ये लगभग 3 से 3.5 महीनों का कोर्स है, जिसमें वैसे उपस्थिति के आधार पर होता है, 100 दिनों का कोर्स होता है। रतनगढ़ में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीती रात चूरू रोड स्थित चुंगी नाका पर एक दुकान के ताले तोड़कर चोर ने सामान एवं नकदी की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने भी मौका मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चूरू रोड स्थित चुंगी नाका पर नौरतन माली लकड़ी की आलमारी रखकर दुकान संचालित करते हैं। सुबह जब उनके बेटे दुकान पर आए तो आलमारी के ताले टूटे हुए मिले। दुकान में रखे सामान को देखा तो उसमें रखा पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स एवं गले में रखे हुए कुछ रुपए नदारद मिले। रतनगढ़ के गांव गुसाईसर में दवा के भरोसे 23 वर्षीय युवक ने जहर का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुसाईसर निवासी 23 वर्षीय मुकेश मेघवाल ने दवा के भरोसे जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। ये था आज का चूर अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।